हेलो एवरीवन। तो एक बात है जो काफ़ी टाइम से मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता था, और ये एक बहुत ही मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो शायद हर एक स्टूडेंट्स को ये चीज़ें नहीं समझ आती, लोग नहीं बताते, तो बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जब स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं। पहला, जो आप हायर स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा जो आप किसी जॉब की तैयारी करते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब की यू नो जिसके आप प्रिपरेशन करते हैं, और उतनी ही ज़्यादा आप लेट सपोज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएसयूज, तो पीएसयूज भी सेम कैटेगरी में आता है, राइट। और दूसरे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पर हायर स्टडीज़ की तैयारी करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर आपको सिर्फ हायर स्टडीज़ पर आपको जाना है, तो स्टूडेंट्स कई सालों तक उसी एग्ज़ाम की तैयारी स्टूडेंट्स करते रहते हैं और बहुत सारा उनका टाइम वेस्ट होता है। जनरली ये मुझे और स्टूडेंट्स को भी समझाने में मुझे बहुत टाइम लगा, स्टूडेंट्स को बताने के लिए भी कि देखो आप अपनी बीटेक आपने करी, राइट। बीटेक के बाद अगर आप 1 साल 2 साल, 1 या 2 साल इज एनफ, उससे ज़्यादा आप तैयारी मत करो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, राइट। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, गेट 1 साल कर लिया, कोशिश करो कि पहले टाइम पर ही आप गेट एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए, ठीक है। क्योंकि साल में सिर्फ एक चांस ही आपको मिलता है, दो चांस नहीं मिलता, और खुद का सिलेबस ना सिर्फ 6 महीने का ही है। 6 महीने में ही आप गेट की तैयारी टॉप रैंक से आप कर सकते हो, राइट। और 1 साल के अंदर आप अपनी अच्छी तैयारी हमेशा कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर आप थोड़े से दोबारा से 1 साल पर दूसरी साल आप करोगे ना, शायद आपकी चांस है कि आप अच्छा रैंक कर पाए, शायद आपके पास 20-30% का ज़्यादा बेटर आपका रैंक हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप थर्ड या फोर्थ टाइम अगर आप गेट की तैयारी करोगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत ही कम चांसेस है कि आप बहुत अच्छे रैंक्स पे या टॉप किसी आईआईटी या एनआईटी में उसके बाद आप आए। बेटर है कि आपको पता है कि इवन हो अगर आप एमटेक भी करोगे ना, एमटेक के बाद भी फिर दोबारा से आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, राइट। एमटेक के बाद भी अब दो चांसेस हैं, या तो आप किसी प्राइवेट जॉब की तैयारी करोगे उसके बाद दोबारा से एमटेक करने के बाद भी, या फिर आप चाहें आप किसी पीएसयू की या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, प्रिपरेशन तो फिर भी करोगे, है ना। जो ऐसे एग्ज़ाम हैं जैसे एसएससी है, बैंक पीओ वगैरह है, तो उसके लिए आपके पास ना 2-3 साल आप उस पर स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी। लेकिन अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपने 1 साल दिया, फिर ऐसे 2 साल कर दिया, तीसरे साल करने का मतलब है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बहुत टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि उसके बाद फिर आपने एमटेक करने के बाद फिर से उतना ही ज़्यादा आपको फिर से एमटेक के बाद आप दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। तो इट्स ऑलवेज बेटर, डोंट वेस्ट सो मैनी चांसेस टू प्रिपेयर फॉर गेट। 1 साल 2 साल काफ़ी है। जब आप अपने बीटेक में हो, जो बच्चा इस समय पर बीटेक में है, तो बीटेक पे ही गेट की तैयारी करो। डोंट वेस्ट कि मैं अगले 3 सालों के बाद, आज मेरी बीटेक खत्म हो गई, मैं 3 साल तक, मैं पहले 1 साल हो गया यार मेरा रैंक अच्छा नहीं आया, अरे यार 2 साल हो गया, अरे पहले से इंप्रूवमेंट हुई है, शायद अब तो मुझे आईआईटी मिलेगा। फिर थर्ड ईयर पे आप जाओगे ना, तो चांसेस ना बहुत ही कम चांसेस है, वेरी लेस चांसेस कि आपके तीसरी बार करने में आप किसी आईआईटी में आप जा पाओगे। बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत ही कम है, वैसे ऐसा नहीं किया कि पॉसिबल नहीं है, कई लोग कर चुके हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू। सो पीएसयूज या फिर गेट के लिए आप 3 साल तक टाइम स्पेंड मतलब कर सकते हो, उसके बाद जॉब मिल सकती है। लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो इट्स बेटर ट्राई टू प्रिपेयर सम आईटी फील्ड पे जाओ, यू गेट गेट अ जॉब, गेट अ सैलरीज। बीटेक करने बाद डायरेक्टली उस पर जा सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, राइट। बट डोंट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम जस्ट फॉर प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि उसके बाद आपको हायर स्टडीज़ फिर भी आपको पढ़नी होगी।